नमो नारायण गुरु जी महाराज। गंग नहर, गंगा की नहर कैनाल बंद हो चुकी है दिवाली की सफाई के लिए, और ये एक सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बन रहा। खैर वो दूसरी वीडियो का है हिस्सा, उसमें आप देख लेंगे सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। तो ये देखो दो पुल हैं, एक अंग्रेज़ों के बनाया हुआ है जो पिछली तरफ है, और जो सामने की तरफ है ये बाद में बनाया, बहुत लेट है। और दोनों की जो लोहा इस्तेमाल हुआ इसमें बहुत फ़र्क है, वो स्कॉटलैंड का लोहा है महाराज जो पिछले वाला पुल का है, और ये सामने वाला जो है भारतीय लोहा। और नहर बंद होने के बाद किस तरह की स्थिति नहर में है थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं। सबसे पहले तो आप नीचे देखो किस तरह की यहाँ पे फैलाव है, जो आपका नवरात्रि के दौरान जो विसर्जन हुआ वो मूर्तियाँ यहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे पड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ी मूर्ति किसी ने उसे उठा के रख दिया, और गेट बंद होने के बाद भी, बैराज बंद होने के बाद भी थोड़ा बहुत रिश्ता तो वो है। और आगे इधर हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है यहाँ पर गंदगी है चारों तरफ। गंदगी कह लो आप इसे, क्योंकि गंदगी भी इसे कहना ठीक नहीं। आप देखो यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं, और ये नवरात्रि के जो हैं सांझी माता भी हैं यहाँ। ये देखो महाराज सांझी माता है, कोई बड़े शौक से लाया होगा और अष्टमी तक पूजा भी की होगी। और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे आप पड़ी हुई देखो सांझी माता, हालांकि इतने पत्थरों के बाद भी ये टूटी हुई पीओपी की है। यहाँ पे एक और सांझी माता है, और इधर भी एक सांझी माता है, छोटी सांझी माता है। तो नहर में विसर्जन के बाद जो स्थिति है वो आपके सामने है। अब थोड़ा सा मैं आपको और पास ले जाके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। तो ये है महाराज नया पुल, यहाँ पे आप देख लो 13 फुट यहाँ पे पानी का लेवल है, जहाँ तक काई है वहाँ तक पानी का लेवल चढ़ जाता है। और ये अंग्रेज़ों का है, पुराना पुल है, पुरानी रेलवे लाइन है इसके ऊपर। ये जो है दो पिलरों पर बना हुआ है, दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये देखो दो पिलर हैं, और उन दोनों पिलरों के बीच में आप देखोगे गैप है, दोनों के बीच में गैप है, उनके ऊपर एक पूरा बेस है। और ये नया पुल है, इसमें नीचे गैप है, आप देखोगे उधर पिछली तरफ मैं आपको दिखाऊं। तो गैप इसके अंदर भी है, पर इसके अंदर जो नीचे गैप है वो बहुत थोड़ा सा दिया गया है। हो सकता है इससे कुछ जो पानी के अंदर भंवर बनते हैं वर्टेक्स वो कम बनते हों, ऐसा हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी, अजीब भी लगी देखने में। हम अपने घर में दीवार घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान से प्लास्टर करवाते हैं कि भाई देखो इसमें प्लास्टर से मजबूती आएगी। आप देखो पूरे साल ये पिलर पानी के अंदर रहते हैं, कोई इनके अंदर प्लास्टर नहीं है। ईंट के ऊपर टेपिंग की गई है, मतलब जो दरारें होती हैं उन्हें सिर्फ उन्हें भरा गया है। पर सीमेंट और जो चीज़ है क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि वो उसी से ये सब चल रहा। थोड़ा सा जो आप देखोगे पुराना पुल है उसमें कहीं को लगेगा कि हाँ टेपिंग कहीं उतर गई, ऊपर तो पेंट कर दिया वो अलग चीज़ है, पर जो चीज़ पानी के अंदर है वहाँ मजबूती पता चलती है। तो महाराज प्लास्टर से जो ये है कि प्लास्टर करा के ही मजबूती आएगी, प्लास्टर से मजबूती नहीं है। उसका खुद एक जो है रियल आप एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, कि प्लास्टर के बिना भी ज़बरदस्त मजबूती है, ज़बरदस्त बहुत। तो बिना प्लास्टर के है, और इन पिलरों पे प्लास्टर निश्चित तौर पे जब करोड़ों रुपए के ये पिलर बने होंगे यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ, तो प्लास्टर करना कोई बहुत महंगा तो होगा नहीं। पर जानबूझ के नहीं किया गया, क्योंकि वो जो ईंट है जो नमी है वो अगर सीधा कॉन्टैक्ट में रहेगी तो वही बेहतर है। तो ये थोड़ा सा है, और थोड़ा सा आप देखो किस तरह का यहाँ पे हिसाब है, खाली नहर किस तरह की है। और 13 फुट तक पानी चला जाता है, 11 फुट तक तो काई है, 10 फुट तक काई आ रही, ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद निशान है वहाँ तक पानी गया 11 फुट तक, 2 फुट तक तो गया ही नहीं। तो 11 फुट पानी इस नहर में आ जाता है, और थोड़ा सा आप देखो किस तरीके से खाली होने के बाद दिख रही। तो ये दिखाना चाह रहा था महाराज। और ये दो पुल हैं, आप देख लो कहीं कहीं पे पुल के अंदर जर भी आ गया, जंक भी लग गया। और बस इस वीडियो को यहीं पे बंद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देसी 91 चैनल, धन्यवाद।